हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो बेटा स्वागत है सभी लोगों का अकेडमी लर्निंग के चैनल पे। मैं दीपेंद्र सिंह नरुका आज फिर से आपको करंट के ही कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें कराने वाला हूँ। बेसिकली आज का जो लेक्चर रहेगा उसका क्रक्स रहेगा, हम लोग आज रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे, अलग अलग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस सीखेंगे। इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। बट याद है मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें कराई थी आपको, और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए थे। जस्ट लाइक दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन एंड दिस इज आल्सो होमवर्क क्वेश्चन एंड दिस इज आल्सो होमवर्क क्वेश्चन। सो इन्हीं होमवर्क क्वेश्चंस को बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चीज़ों के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? सो फटाफट से हम लोग इसके डिस्कस करते हैं जल्दी से, फास्ट तरीके से। आइए जल्दी से। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा था आपको कि यार आप किसी भी एक पॉइंट पे क्या मान सकते हो, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आप लोग जीरो मान सकते हो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। तो फटाफट से हम लोग ट्राई करते हैं जल्दी से जीरो का माने। चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ जीरो मान लेते हैं, इस जगह मैंने जीरो वोल्ट मान लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन यहाँ जीरो वोल्ट और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो वोल्ट। अब तो चीज़ें बहुत ईजी हो गई है, अब तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो सारी चीज़ें। तो अगर ये जीरो वोल्ट दैन दिस इज टू वोल्ट एंड वी कैन से दैट वी कैन नॉट फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। हम लोग इसके अक्रॉस भी नहीं निकाल सकते, हम लोग इसके अक्रॉस भी नहीं निकाल सकते। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अटक जाएंगे कि हम यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखें। ओके स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे इस सवाल में एक लफड़ा और होएगा। वो लफड़ा क्या होएगा मैं आपको आगे समझाऊंगा, पहले उसके लिए मैं उस लफड़े को ख़त्म कर दूँ। उसके लिए मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूँ। मेरी बात ध्यान समझिएगा बेटा, एक रजिस्टर में मतलब एक वायर में, अगर एक वायर जैसे ये वायर अगर यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ से चलता है, ये 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 कर 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 यहाँ तक आता है, तो इस वायर में जितने भी रजिस्टेंसेस है वो सीरीज में है, तो आप सबको जोड़ सकते हो। और जितनी बैटरीज है उनको भी आप, उनका भी कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो। चलो निकाल के देखते हैं फटाफट से हम लोग। सो हमें क्या करना है, इसको दोबारा से ड्रॉ करना है। मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम को, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस 2 ओम को बनाया ऐसे, फिर बेटा मैंने 2 वोल्ट की बैटरी बनाई ऐसे, और फिर मैंने क्या करा, ये 10 वोल्ट का यहाँ पे यहाँ बैटरी लगाई और ऐसे करके मैंने इसको बंद कर दिया। 10 वोल्ट की यहाँ बैटरी लिखी थी। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सो ये 2 ओम था, ये भी 2 ओम था, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 2 ओम। अब बात आती है ऊपर वाले वायर की। देखो ऊपर वाले पूरे वायर में एक 2 ओम और 2 ओम दो रजिस्टर्स है और दोनों का सम 4 ओम हो जाएगा। हाँ सर, तो आप लिख सकते हो ऐसे, कितना लिख दोगे यहाँ बेटा, यहाँ लिख दीजिए आप 4 ओम, फिर ऐसे जाएगा। अब इसमें एक बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी ये 4 वोल्ट की है, एक 2 वोल्ट की है। दोनों के ध्यान से देखना, दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव वाले मतलब हाई पोटेंशियल वाले मुँह मिलेंगे। इसका मतलब दोनों के दोनों हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 2 वोल्ट है 4 वोल्ट है, तो बेसिकली ये मिल कैसे रहा है, जब इसको उठा के इधर ले आऊँगा तो कैसे मिलेगा, ये 2 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट आएगा ऊपर से ऐसे। तो भैया दोनों के अगर हाई पोटेंशियल मिल रहा है तो नेट जो आएगा वो सब्ट्रैक्ट होएगा, और कैसे लिखेंगे हम लोग, हम लोग लिख देंगे 4 - 2, तो नेट जो बनेगा वो सिर्फ 2 वोल्ट बनेगा। और डोमिनेट कौन करेगा, किसका साइन डोमिनेट करेगा, जो बड़ा है उसका। इसका मतलब 4 वोल्ट के हिसाब से ही हमारा फाइनल आंसर आना है, इसका मतलब बैटरी कुछ इस तरह से आएगी। गेटिंग माय पॉइंट, अगर मैं इसको उठा के इधर ले जाऊंगा तो इसका मतलब बड़ा डंडा नीचे आएगा। अरे सही है ना, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से, दिस इज 2 वोल्ट। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हम फटाफट से यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है, वही पहले की तरह हम यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे। तो किसी एक पॉइंट पे 0 वोल्ट मान लीजिए, इसको भी 0, ये 2 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा, अगर ये 2 वोल्ट है तो दिस शुड बी हाई पोटेंशियल, सो दिस शुड बी लो पोटेंशियल, -2 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो -2 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप मान सकते हो एक्स। ये मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको कराया था ना करंट के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा हो अभी तक वो वीडियो, तो प्लीज़ जाके आप लोग सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आपको आप देखिए या फिर आई बटन में आप देख सकते हो उस वीडियो को। सो आपको उस वीडियो में जाकर देखना है कि मैंने इसका तरीके कैसे कराए थे। गेटिंग माई पॉइंट, 1 घंटे 5 मिनट का वीडियो, शानदार वीडियो है। तो फटाफट से आइए, एक्स है हमारे पास में यहाँ पे, तो एक्स माइनस जीरो
अब मैं क्या करूँगा आगे, मैं वही से बातें करने वाला हूँ जो मैंने कल बहुत देर तक करी थी। क्या क्या करी थी सर मैंने यहाँ पे? करंट निकाला I1, करंट निकाला I2, करंट निकाला I3। तीनों में करंट जाएगा I1, I2, I3। नीचे वाले में I1 गया, उधर I2 गया, ऊपर I3 गया। ओके, तो सबका सम कितना आएगा? सबका सम हम जानते हैं कि मैं यहाँ कर देता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3, दिस शुड बी इक्वल टू 0। गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट इज I1? I1 क्या हो जाएगा? नीचे वाला, अगर ये x है ना, तो बेटा ये हो जाएगा x माइनस 10। हाँ, क्योंकि बैटरी क्रिएट्स द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। दिस बैटरी इज क्रिएटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। अगर x बड़ा पोटेंशियल है, सो x से 10 कम कर दो, तो x माइनस 10 छोटा पोटेंशियल। ओके, सो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? x माइनस 10 माइनस 0/2। अगला देखते हैं I2। I2 क्या हो जाएगा? दिस इज x, दिस इज 2, सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज x माइनस 2, द वोल्ट रेजिस्टेंस इज 2। I3, I3 कितना हो जाएगा? x माइनस, ऊपर कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो बेटा हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मकसद है x की वैल्यू निकालना। सो यहाँ से x निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना आएगा? नीचे 2, ऊपर 2, जो मैं करता हूँ, तो 2x, 2x और x, 5x, 5x, ऊपर यहाँ पे कितना जाएगा? माइनस 20, माइनस 4, कितना हो जाएगा? माइनस 24 प्लस 2, तो ये बन जाएगा माइनस 24 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी अपने को, हमने बस नीचे 4 ले लिए डिनोमिनेटर में 0 तीनों के, तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 2x माइनस 20, तो 2x और 2x यहाँ भी सेम चीज होगी, तो 4x, 4x प्लस x, 5x, माइनस 20 माइनस 4, माइनस 24 प्लस 2, माइनस 24 प्लस 2 इक्वल टू 0। सो बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? x की वैल्यू आएगी 22/5। ओके, 22/5। सो यहाँ पे आप x की वैल्यू रख के I1, I2 और I3 तीनों निकाल सकते हो। सवाल जबरदस्त है, इसलिए तो होमवर्क में दिया था मैंने। सो निकालते हैं फटाफट से, चलो चेक करते हैं आंसर है ना। एक काम करो, तुम लोग ही करो इसको जल्दी से, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ फटाफट से, 5 सेकंड का टाइम है, बाकी आप पोस्ट कर लेना जल्दी से। ओके, सो I1, I2, I3 की वैल्यू निकालते हैं बेटा। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, व्हाट इज I1? I1 इज x माइनस 10/2। सो x की वैल्यू कितनी आई है? 22/5। इसको एक काम कर, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा 22/5? आई थिंक इट इज 4.4। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 4.4 ईयर एंड व्हाट यू विल गेट इज, आपको यहाँ पे 4.4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 ये निकालना है। तो कितना आएगा 4.4 माइनस 10? तो बेटा ये हो जाएगा 5.6 आई थिंक। 10 माइनस 4.4 इज 5.6। सो 5.6 वो भी माइनस में आ रहा है, तो इस डिवाइड बाई 2 करने पे 2.8 एम्पियर आएगा। I2 कितना हो जाएगा बेटा? I2 हो जाएगा x माइनस 2/2, मतलब 4.4 माइनस 2/2, तो ये जाएगा 4.4 माइनस 2 इज 2.4, 2.4 बाई 2 इज 1.2। सिमिलरली अगर मैं I3 की बात करूंगा, तो I3 कितना जाएगा? x प्लस 2, मतलब 4.4 प्लस 2, मतलब 6.4 बाय 4। सो बेटा यहाँ पे आंसर कितना आएगा? यहाँ पे सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1.6 एम्पियर। सो दो प्लस में आए हैं, एक माइनस में आया है, इसका मतलब 1.2 इधर जा रहा था, 1.6 ऊपर जा रहा था, और 2.8 जो हमने कहा कि नीचे जा रहा था, नीचे जा नहीं रहा था, नीचे से आ रहा था। आई मेरी बात समझ में? तो एक्चुअल सिनेरियो जो था वो ये था कि इधर की तरफ जा रहा था कितना? I2। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1.2 एम्पियर, और ऊपर कितना जा रहा था? 1.6 एम्पियर। बेटा सम कितना हुआ? 2.8 एम्पियर। कहाँ से आया? नीचे से 2.8 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। शानदार सवाल था, जबरदस्त तरीके से।
तो बेटा इसको इस तरीके से कर सकते हो आप, यहाँ पे आप प्लस ही लिखोगे आप, क्योंकि मैंने साइन उल्टा ले लिया था, हालांकि मुझे तो साइन एक फिक्स लेना है, प्लस में आया तो अपने साइन सही माना है, अगर माइनस में आया तो हमने साइन उल्टा माना है, तो उसको उल्टा कर दो फिर आखिरी में। आई मेरी बात समझ में? तो दिस इज़ द मेथड टू सोल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो बेटा ये जो तरीका मैंने आप बताया है ना इस टाइप के सर्किट को सोल्व करने का, अब यकीन अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी सर्किट पढ़ा है ना, जिसको थोड़ा बहुत भी सर्किट आता है, तुम देख सोच के देखो, मैंने एक लाइन में सोल्व कर दिया इसको, इक्वेशन तो एक ही बनी है यार, एक्स की वैल्यू निकल गई, उसके बाद तो अपन लोगों ने सिर्फ आई वन आई टू आई थ्री निकाला है। अगर तुम इसको किसी और तरीके से जाओगे ना, लूप वूप से जाओगे, बेटा इसको लूप में करने में ना बहुत भयंकर खतरनाक, ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं रहता जितना ये इसमें हुआ है। अब अगर तुम बोलते हो मुझे तो ये टफ लग रहा है, तो एक बार आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट ये बाकी जितने भी तरीके हैं उनमें सबसे सिंपल है। आई मेरी बात समझ में? तो ये बाकी तरीकों से सबसे सिंपल और शॉर्ट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने काम किया क्या है, सिर्फ ये किया है, बाकी आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यूज निकाली है, बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली है, वो निकाल के मैंने रख दी है, खत्म। गेटिंग माई पॉइंट? तो एक्स की वैल्यू निकाली और आई वन आई टू आई थ्री निकाली है, बस। बाकी क्या होता है अगर तुम इसको लूप वूप से कर रहे हो, तो मैं इक्वेशन बनाने में इतना भयंकर दिमाग खराब हो जाता कि सर इक्वेशंस कैसे बनाऊं, आई वन आई टू आई थ्री कैसे कैसे कंसीडर करूं, आई मेरी बात समझ में? तो बड़ी दिक्कत आती। उससे बढ़िया हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन और बस डायग्राम का खेल है, डायग्राम डायग्राम में काम हो जाना चाहिए। आया समझ में स्टूडेंट? तो तुम देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने डायग्राम डायग्राम में करा दिए थे, थोड़ा बहुत जाके अब हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत जाके कैलकुलेशन करनी पड़ती है डायग्राम के अलावा भी बाहर, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस आप पिछले लेक्चर उठा के देखोगे आपके डायग्राम डायग्राम में सोल्व हो रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? सो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे, फास्ट होमवर्क वाले सवाल पे, जल्दी से जल्दी से। ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को, मतलब मुझे दिक्कत ना हो, नोट तुम लोगों को। तो ये अगेन सवाल आया है बड़ा ही भयंकर सा सर्किट का ही, बट इसको भी हम लोग जल्दी से ईजी और शॉर्ट तरीके सोल्व करेंगे। सारे तरीके जो मैं करने वाला हूँ उससे ज़्यादा लंबे होते हैं, तो ध्यान समझिएगा। सवाल हालांकि बहुत तगड़ा है, अगर तुम लूप से करने जाओगे तो एक दो तीन चार पाँच इक्वेशंस बनेंगे। यहाँ हम लोग बेटा इसको सिर्फ एक इक्वेशन में सोल्व करेंगे, सिर्फ एक इक्वेशन के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? तो फटाफट से देखते हैं इसको जल्दी से। तो एक इक्वेशन बेटा इसको करेंगे हम लोग, इक्वेशन में मेनली एक ही बनाऊंगा, ठीक है? तो चलो ट्राई करते हैं एक बार सोल्व करने का, तो है ना, ट्राई करके देखते हैं कैसे होगा इस क्वेश्चन को, किस तरीके से हम लोग करेंगे एक इक्वेशन के अंदर। हाँ, इक्वेशन सोल्व करने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा हम लोग करने में, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करके देखते हैं। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिए, जहाँ जहाँ पर भी आपको लग सकता है वहाँ जीरो कंसीडर कर लीजिए वोल्टेज, मतलब किसी भी एक पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कंसीडर करके चलना है। जीरो लिख दिया तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। ओके, अब यहाँ जीरो तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10 वोल्ट, यहाँ जीरो तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग जीरो वोल्ट। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आगे देखो यहाँ पे तो ये 10 वोल्ट हो चुका है, ये हमारे जीरो 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 सब कुछ सेट है, यहाँ बढ़िया है। अब देखो ऊपर इसके अक्रॉस नहीं लिख सकते, इसके अक्रॉस नहीं लिख सकते, इसके अक्रॉस नहीं लिख सकते, इसके अक्रॉस लिख दिया लेकिन इसके अक्रॉस नहीं, इसके अक्रॉस नहीं, इसके अक्रॉस नहीं, इसका मतलब हम फंस गए हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट पे एक्स कंसीडर कर लेंगे। अगर हमने यहाँ एक्स कंसीडर कर लिया ना, तो हम लोग यहाँ पर एक्स प्लस 10 कंसीडर कर सकते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है? ध्यान समझना बेटा, अगर मैंने इसको x कंसीडर कर लिया तो इसको कर दूंगा मैं x प्लस 10। वाई? क्योंकि भाई ये बैटरी दिस बैटरी इज क्रिएटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, एंड दिस इज द हाई पोटेंशियल, दिस इज द लो पोटेंशियल। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये आ गया साहब यहाँ पे। अब देखते हैं बात, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये x है तो हम लोग यहाँ का पोटेंशियल लिख सकते हैं एक्स माइनस 10। ओके, सो इसका हो जाएगा एक्स माइनस 10, एक्स जीरो, सब कुछ सेट है, बढ़िया है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब हमें करंट लिखना है। सबसे पहले तो देखो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे इस सर्किट में किस तरीके से करंट लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि ठीक है, हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ से कुछ करंट गया आई वन, यहाँ से गया आई टू, और यहाँ से गया आई थ्री, यहाँ से गया आई फोर। क्या मेरी बात क्लियर है? ध्यान समझना, और ये I4 इधर गया अगर,
तो ये i4 इधर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया फिर से तीन पार्ट में, i5, i6 एंड i7। ओके स्टूडेंट्स, सो इतना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने सारे करंट लिख दिए। अब देखते हैं जल्दी से, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबका सम करना है, i1, i2, i3 एंड i4 इज इक्वल टू 0। ये हमने लगा दिया यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ। अब हम जानते हैं कि जो i4 है यही डिस्ट्रीब्यूट होके 5, 6 और 7 में कन्वर्ट हुआ है, तो उसको लिख दीजिए। तो कितना आएगा यहाँ पे, i1, i2, i3 एंड i4। i4 किस में टूटा है बेटा, 5, 6, 7 तीनों को लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, i5, i6, i7 इक्वल्स टू 0। गेटिंग माई पॉइंट? सो i1, i2, i3, वो जो i4 था उसको मैंने तीन हिस्सों में और तोड़ दिया, i5, i6, i7। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द इक्वेशन, जो हमें एक सिंगल इक्वेशन चाहिए थी वो ये है। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं आगे। सो i1 की वैल्यू कितनी जाएगी, i1 इज द करंट इन दिस वायर और रेजिस्टेंस वायर, सो व्हाट वी कैन से इज x+10 -0/2। सो i1 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, x+10 /2। अगला i2 क्या हो जाएगा, अगर ये x+10 है तो ये कितना हो जाएगा, x+6। ये क्लियर है ना, क्योंकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। x+6 और x+10 डिफरेंस कितना आएगा, 4। सही है, क्योंकि ये इससे 4 बड़ा होना चाहिए, तो 4 बड़ा है, तो ये x+6। सो करंट कितना फ्लो कर रहा है, x+6 -0/2। सो व्हाट आई कैन राइट इज x+6/2। अब बात आती है i3 की, x+10 इधर 10, सो डिफरेंस करिए इसका, कितना डिफरेंस आएगा बेटा इसका, x+10 -10 /2, रेजिस्टेंस 2 है। अब बात आती है i4 की, i4 हमें लिखना नहीं है, हमें क्या लिखना था, हमें लिखना था अब i5। सो i5 x-0/2। बेटा अगला देखो i6 क्या हो जाएगा, अगर ये x-10 है तो x-10/2, और उसके बाद अगला देखो x-0/2 इक्वल टू 0, सब का सम 0 आएगा। दिस इज i1, दिस इज i2, दिस इज i3, दिस इज i4, i5, 6 एंड 7। चेक कर लेते हैं जल्दी से वापस। तो i1 हो जाएगा x+10 -0/2, सही है। i2 क्या हो जाएगा, x+6 -0/2, सही है। i3 x+10 -10/2, सही है ना। i4 तो करना नहीं है, i5 आएगा, i5 क्या आएगा, x-0/2, i6 आएगा x-10 -0/2, सही है, और i7 कितना आएगा, x-0/2, लिख दिया, एक लाइन में आंसर आ गया आपका, 1, 2, 3, मतलब एक इक्वेशन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6x+10 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, +10 + 6, 16, सही है। तो बेटा ये 16 हो जाएगा, 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10, 16 -10 कितना हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू 0। दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, ये जाएगा 10, देखो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएगा 16, और ये x-10 था, ये कौन सा वाला था, ये अपने हमारे पास था i6, x-10/2। सो यहाँ पे कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6x, और 10 + 6, 16 -10 विच इज 6 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू -1 वोल्ट, x की वैल्यू -1 वोल्ट आई है। अब तो हो गया भैया, अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो जल्दी से आंसर देख लेते हैं फटाफट से, आंसर कितने आएंगे, मैं जल्दी आंसर निकाल रहा हूँ बेटा। यहाँ पे i1 आएगा, x की वैल्यू -1 पुट करो, सो 9/2। i2 x की वैल्यू -1 पुट करो तो कितना आएगा, 5/2। i3 कितना आएगा, x की वैल्यू -1 पुट करो तो -1/2। इसका मतलब i3 के डायरेक्शन में उल्टी करनी पड़ेगी, आई मेरी बात समझ में। अब बात आती है i5 कितना आएगा, x-0/2, मतलब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मेरी बात ध्यान समझिएगा,
आई फाइव मतलब यहाँ पुट करिए और वैल्यू आएगी -1/2। अब बात आती है आई सिक्स की, आई सिक्स क्या आएगा, एक्स की वैल्यू पुट कीजिए -1, -1, -10, -11/2, सो आंसर -11/2। अगर मैं आई सेवन की बात करूँ तो अगेन -1/2। सारे आंसर आ चुके हैं। अगर तुमको सच में लगता है ना कि ये तरीका लंबा है तो एक बार इस क्वेश्चन को, सिर्फ इस क्वेश्चन को एक बार लूप से करके देखना। आई मेरी बात समझ में, एक बार लूप से करके देखना। टेलीग्राम पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे आप आ सकते हो, टेलीग्राम पे आकर आप आके मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, मतलब अकेडमी लर्निंग के पेज से कनेक्ट हो सकते हो और वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो कि सर मैंने इस तरीके से किया है। आपको इसे शॉर्ट नहीं कर पाओगे। देखो मैंने किया क्या है, यहाँ पर मैंने सिर्फ ये इक्वेशन बनाई है, इसको सोल्व किया है, एक्स मिलते हैं, मैंने सारी आंसर लिख दिए सीधे। वहाँ आपको इक्वेशन बनती है 1, 2, 3, 4, 5 इक्वेशंस बनती, तब जाके सोल्व होता। उसमें भी इतने सारे किरचॉफ्स के लॉ लगते हैं ना, मतलब अलग अलग टाइप के जंक्शन के लूप, जंक्शन लूप। अच्छा आई फोर निकालना हो तो आई फोर के लिए आई फाइव, आई सिक्स और आई सेवन को जस्ट ऐड कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। अगर समझ में आया हो तो एक बार लाइक जरूर दबा दीजिए यार। मैं चाहता हूँ कि आप इस वाले वीडियो पे अपन बढ़िया से अच्छे से लाइक हम लेकर चले, कम से कम 10,000 हमें लाइक मिले इस वीडियो के ऊपर। क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि टारगेट है ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाइए वीडियोस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छा कॉन्टेंट पहुँचे, लोग फिजिक्स आसानी से समझ सकें, शॉर्ट तरीकों समझ सकें। फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे जेई मेन्स हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे कॉन्सेप्ट अगर हल्के से भी ढीले हैं तो हमको फिजिक्स टफ लगती है। अदरवाइज ये टफ नहीं है। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ोगे, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, आपको अकेड लर्निंग पे ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, तो आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और इस साल मतलब इस पूरे ईयर के अंदर आप लोगों की फिजिक्स बहुत बढ़िया हो जाएगी। 2021 का जो एग्ज़ाम होगा या 22 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप फोड़ दोगे। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट, सो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरे को और लोगों को इस तक शेयर कीजिए यार। शेयर करते हो ना, नॉलेज हो चाहे वीडियो हो चाहे जो भी हो, अगर शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है ना, हैप्पीनेस मिलती है आपको भी और हमें भी। हमें अच्छा लगेगा अगर व्यूज़ बढ़ेंगे और लाइक आएंगे तो, और आपको अच्छा लगेगा अगर आप लोग कुछ सीखोगे तो। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना है और लोगों तक शेयर भी करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको अच्छे से सीखना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसा समझ में आया, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप आके जुड़ सकते हो, डाउट वगैरह डिस्कस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, फटाफट से नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं जल्दी से और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो एक और धमाकेदार सवाल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि उसी सवाल, ये तीन जो क्वेश्चन थे, ये तीन होमवर्क में दिए थे, तीनों ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, तो फटाफट से इनको सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट से आइए, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। यहाँ 0 तो यहाँ 2 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 6 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 0 तो यहाँ 10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ आइए, यहाँ 0 तो यहाँ 4 वोल्ट हो जाएगा। अब हम बहुत बुरी तरह से अटक चुके हैं क्योंकि हम इसके आगे नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्स कंसिडर कर लेंगे, हो गया काम, लेकिन फिर अटक गए। जब हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे तो इसके आगे फिर नहीं लिख सकते, तो इसको क्या कंसिडर करें सर? एक बार तो चलो x मान लिया, लेकिन अब क्या माने? तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक बार अगर तुमने x मान लिया और फिर भी तुम अटक रहे हो तो तुम यहाँ पे y मान लो। सिंपल, जहाँ एक इक्वेशन बनती थी अब दो बन जाएगी, क्या बिगड़ेगा यार? आइए देखते हैं फटाफट से। देखो i1, i2, i3, i4 इक्वेशन लिखते हैं, i1, i2, i3, i4 चारों का सम 0 होना चाहिए, सही बात है। चलो x-4/2 अगेन x-0/2 इसमें x-2/2 इसमें x माइनस वाई
बाय टू इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। बेटा इस टाइप के सवालों में सिर्फ ये एक सवाल है जहाँ दो आपको इक्वेशन सोल्व करनी पड़ जाएगी। इसको सोल्व करते हैं फटाफट, एक्स 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 एक्स, तो ये हो जाएगा कितना 4x माइनस वाई माइनस टू माइनस फोर, तो ये बन जाएगा बेटा कितना 6। अबे सही है ना, ध्यान से देख लीजिए, एक्स 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 4x, फिर ये माइनस वाई का माइनस वाई। अब यहाँ पे देखोगे आप माइनस फोर और माइनस टू कितना हो गया माइनस सिक्स, तो ये चल जाएगा माइनस सिक्स। अब माइनस सिक्स दूसरी तरफ जाके प्लस सिक्स बन जाएगा ना, तो इसको कितना कर दिया हम लोगों ने प्लस सिक्स। क्या मेरी बात क्लियर है अच्छे से? अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं भैया यहाँ पे, सॉरी नोट, अगला सवाल, अगले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से वाई से। तो बेटा सिमिलरली आपको वाई के केस में भी करना है, लेकिन अब की बार आप करंट इधर चलाइए वाई में, तो कितना लिखोगे आप वाई माइनस एक्स बाय टू। अब आप वाई के रेफरेंस में लिख रहे हो, तो आप क्या करोगे सारे करंट कहाँ जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, तो आप लिख दीजिए फटाफट से, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस सिक्स, अगला क्या लिखोगे y माइनस टेन बाय टू इक्व टू जीरो। सो ये तीन तीन हमने यहाँ पे लिख दिए फटाफट से, इसको सोल्व करना कितना आएगा बेटा यहाँ पे फिर से 3y माइनस एक्स माइनस सिक्सटीन इक्व टू जीरो, सो इट विल बी 3y माइनस एक्स इक्व टू सिक्सटीन इक्वेशन नंबर टू। सो ये इक्वेशन नंबर वन थी, ये इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी। अब दोनों को सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए क्या करूँगा मैं, दोनों को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितनी जाएगी ये 12y माइनस 4x, तो ये जाएगा कितना 64, ये इक्वेशन 2.1। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 4x से 4x उठ जाएगा, 12y में से y जाएगा, तो कितना बचेगा 11y। ऐड करने में 6 प्लस 64 कितना होता है 70, तो y कितना आएगा 70/11। तो बेटा यहाँ से y आ चुका है, इसी प्रकार से आप यहाँ से x भी निकाल सकते हो, तो y की जैसे वैल्यू पुट करोगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो आप x की वैल्यू यहाँ पे सोल्व करके निकाल लोगे। अब हमें क्या क्या मिल गया, हमें x और y दोनों मिल चुका है। x से हम लोग i1 i2 i3 निकाल सकते हैं, y से i1 i2 i3 निकाल सकते हैं। ये तरीका फिर भी उस लूप वाले से ज़्यादा ईजी है, एक दो तीन चार, आपको चार चार इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं ये तरीका फिर भी ईजी है। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? सो इसको पूरे को आप नोट डाउन कर सकते हो। ये तरीके से इतने से थे स्टूडेंट्स कि आपको किसी भी एक पॉइंट पे जीरो मानना होता है, उसके बाद आप बैटरी के अक्रॉस तो लिख सकते हो, पर रजिस्टर के अक्रॉस नहीं लिख सकते। रजिस्टर के अक्रॉस लिखने के लिए आपको करंट चाहिए होता है, तो करंट अगर नहीं है हमारे पास में तो हम रजिस्टर के अक्रॉस नहीं लिखेंगे, हम बैटरी के अक्रॉस लिख सकते हैं, और रजिस्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो भी आएगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रजिस्टेंस इज द करंट। ओके स्टूडेंट्स, तो करंट के साथ ही पूरा खेल है ये, पूरे हमने सर्किट के क्वेश्चंस किए, इनके द्वारा आपके सर्किट के मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे मैक्सिमम। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्किट ख़त्म हो गया है, सर्किट अभी जारी रहेगा। सर्किट के अंदर अभी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि उसी पर डिपेंडेंट है कई सारे और भी प्रकार के सवाल, और इवन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आती है। ओके स्टूडेंट, सो मेरी इच्छा तो थी कि मैं इसी वीडियो के अंदर बनाऊँ, आगे पढ़ाऊँ आपको कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, लेकिन काफ़ी होचपोच सा हो जाएगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, इन होमवर्क के तीनों क्वेश्चंस को वीडियो को इसी को यहीं तक रखते हैं। कॉम्बिनेशंस के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चल के चलूँगा, ताकि आप एक्सक्लूसिवली वो कॉम्बिनेशन के ऊपर ही बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर ही। ओके स्टूडेंट, सो इसको पूरे को नोट डाउन कर लीजिएगा एंड मिलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी फ़ी से सब्सक्राइब करना और शेयर करना, हम लोग आपसे डायरेक्टली फ़ीस नहीं ले रहे हैं, तो मुझे सब्सक्राइब और यहाँ पे शेयर एंड प्लीज़ लाइक, लाइक वो आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है? तो लेकिन लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए लोगों तक, लोगों तक बताइए कि इस तरीके भी वीडियोस या इस तरह का कंटेंट भी अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। याद है ना, बेल उसको दबाना है, उसको बजाना है बेल आइकन को। गेटिंग माई पॉइंट? सो फटाफट से इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।